बड़े कारोबार नहीं चलते, बल्कि इन इसने तो हमारी जिंदगी और बदसूरत कर दी। जितने मालदार लोग हैं ये रोटी भी नहीं खा सकते, मोबाइल कानों पर लगा होता है, कोई ना कोई डील चल रही होती है, फोन आ जाता है, तो अब एक हाथ से वो रोटी खाता है, एक हाथ से वो फोन सुनता है, एक हाथ से रोटी खाता है, एक हाथ से फोन सुनता है। पूरे दिमाग को उसने और मैदे को बर्बाद कर दिया कि दिमाग से वेव्स गई मैदे की तरफ, खाना आ रहा है उधर से, टन घंटी बजी तो आधा दिमाग उधर चला गया, आधा उधर चला गया, खाना भी बर्बाद कर दिया, तो नस्वार खा के क्या करो। टॉयलेट्स में फोन सुन रहे हो, छोटी मिसाल दे रहा हूं, मैं अपने बच्चों को इतना तवज्जो नहीं देती जितने अपने ये इस फोन को तवज्जो देती, तो बच्चे हर्ट हो जाते। मसलन मेरा बच्चा मेरे पास आता है और मैं मोबाइल पे लगा हूं, वो कहता बाबा, मैं कहता हाँ बोलो, बात करनी, सुन रहा हूं, बोलो। ये मैंने उसे जबा कर दिया, उसको अंदर में पैगाम जाएगा कि मेरे बाप के दिल में फोन की अहमियत है, मेरी नहीं। माँ फोन पे कोई देख रही है, इस पर आईफोन पर बच्ची आ जाती है, बच्चा आ जाता है, माँ जी मुझे दूध चाहिए, अच्छा अच्छा देती हूँ देती हूँ, वो थोड़ी सी देर करके दफा दफा कमीना, एक थप्पड़ मारूंगा। उसने अपने बच्चे के अंदर नफरत भर दी, अपनी बैलेंस लाइफ गुजारो, बैलेंस, बच्चों को भी टाइम दो, बीवी को भी टाइम दो, अपने आप को भी टाइम दो, अपने कारोबार को भी टाइम दो। बैलेंस ऑफ लाइफ जो, जैसे गाड़ी इम्बैलेंस हो जाए तो वो चाहे लैंड क्रूजर हो और चाहे वो मर्सिडीज हो, वो तंग करती है। सुजुकी का बैलेंस सही हो, आराम से आपको मालंज लेके आ जाओ। तो लाइफ को बैलेंस करो अल्लाह के वास्ते, जिसमें आपके लिए बच्चों के लिए टाइम हो, बीवी के लिए टाइम हो, माँ बाप के लिए टाइम हो, अपने लिए टाइम हो, फिर अपने रिज़्क़ के हलाल के लिए टाइम हो।